सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, इन कुछ दिनों में, मतलब दिनों में नहीं, इन कुछ महीनों में ना मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज की है कि भाई इंडिया में वन पीस के फैंस कम नहीं है। मतलब मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी को लेकर मैंने पहले ही बात कर दिया, अपने थॉट्स रख दिए, विचार रख दिए हैं, तो उसको लेके मैं और ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं करूँगा। जो हो गया सो हो गया, हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे, अपने फ्यूचर के आने वाले वीडियोस पे फोकस करेंगे। पर बात करूँ, इन कुछ दिनों में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि भाई इंडिया में वन पीस के फैंस कम नहीं है। हद से ज़्यादा, मतलब फैंस तो नहीं कहूँगा पर कम तो नहीं है। बस कुछ लोग फॉरेनर्स को ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग इंडियंस को देखते हैं, कुछ लोग किसी यूट्यूबर को नहीं देखते, पर हाँ वन पीस को देखते हैं। अगर तुम मेरे से पूछने वाले हो कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत बात करूंगा वन पीस मूवी रेड को लेके, प्लस मांगा प्लस को लेकर के। अब देखो यार, पहले बात करते हैं मांगा प्लस को लेके, बिकॉज मांगा प्लस के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता, पर मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया था। देखो, मांगा प्लस एक ऑफिशियल ऐप है जिसे तुम प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि स्वेसा के तरफ से है। अब अगर तुमको नहीं पता तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, मांगा प्लस से तुम कोई भी मांगा ऑफिशियली रीड कर सकते हो। ये जो सोनन मांगा की मैं बात करूं, वरना तुम लोग जाकर के वहां पे बर्जर्क बैगावंड खोजते रह जाओगे, जो कि तुमको वहां पे नहीं मिलेगा। और हाँ, गिनतामा भी नहीं मिलेगा, पर जो सोनन मांगा है जैसे कि वन पीस, डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया, ब्लैक क्लोवर, ये सब तुमको उस मांगा प्लस ऐप में तुमको देखने को मिल जाएगी और तुम लोग जाकर के रीड कर सकते हो। प्लस एक और खुशखबरी मैं तुमको बता दूं, इस ऐप में तुम वन पीस फ्री में रीड कर सकते हो। हाँ, वन टाइम के लिए एक चैप्टर है, लेकिन तुम फ्री में रीड कर सकते हो। अगर तुमको उस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक चैप्टर को यार तुम ऑफिशियली एक बार रीड कर सकते हो, जो कि बहुत खुशी की बात है, बिकॉज ऑफिशियल ट्रांसलेशन और पायरेटेड वाले ट्रांसलेशन में बहुत बार जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, इसको लेकर के एक गुड न्यूज निकल के आया कि मांगा प्लस को यूज करने में इंडिया 11th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। प्लस उस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ था, मतलब दो मांगा को मेंशन किया गया था, जिस मांगा का ने चेंसो मैन लिखा है, उनकी एक वन शॉट मांगा है उसको लेकर के मेंशन किया गया था, प्लस वन पीस को भी मेंशन किया गया था। मतलब ये दो मांगा जो है काफी ज्यादा पढ़े गए हैं उस ऐप में। और एक बात मैं बताता हूँ भाई, इंडिया में 80-90% जो बंदे होते हैं ना, मतलब जो लोग वन पीस फैंस हैं, वो लोग वन पीस को पायरेटेड साइट से ही जाकर के रीड करते हैं। तो भाई मांगा प्लस ऐप से अगर वो लोग मांगा को रीड कर रहे हैं, मतलब तुम एक बात समझ रहे हो भाई, बाकी के 80-90% लोग अगर रीड करने लग गए तो भाई इंडिया नंबर वन पे आ जाएगा। प्लस अभी भी बहुत सारे लोग वन पीस को नहीं जानते, बहुत सारे लोग वन पीस को रीड नहीं करते, वन पीस को देखते नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग एनिमे देखते हैं पर वन पीस को बहुत कम लोग देखते हैं, जिस वजह से एक चीज मैं कह देता हूँ, फ्यूचर में आने वाले टाइम पे तो वन पीस को बहुत सारे लोग देखेंगे ही, बट हाँ यार, जिस हिसाब से बस इतने से ही इंडिया अगर 11 नंबर में आ रहा है, तो भाई फ्यूचर में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। खैर, अब मैं आना चाहूंगा वन पीस मूवी रेड को लेकर के, बिकॉज ये मूवी इंडियन थिएटर में आएगी कि नहीं आएगी। देखो यार, ये मूवी को लेकर के जब हमने पेटिशन को साइन करना स्टार्ट किया था, इसको लेकर प्रमोट करना स्टार्ट किया था, उस वक्त ये नामुमकिन सा लग रहा था भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको लेकर के हम कभी सोचेंगे भी कि ये मूवी इंडिया में आए, पर हाँ हमने ट्राई किया था, फिर बाद में बीच में थोड़ा मूड ऑफ सा हो गया, क्योंकि उतने सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने बहुतों को बोला था पर कोई सपोर्ट करने के लिए आगे आया नहीं, ऐसे इग्नोर मारा गया जैसे कुछ है ही नहीं। पर फिर अचानक से भाई विक्सर ने अपने कम्युनिटी टैब पे ये डाला, मतलब कुछ समझ रहे हो, ये बंदा पहले भी ड्रैगन बॉल सुपर ला चुका है, तो यार कर सकता है। और अगर इंडिया में वन पीस मूवी रेड आता है, मुझे मालूम है यार ये पिक्चर पिटेगी नहीं, लोग देखने जाएंगे, बिकॉज इंडिया में वन पीस के फैंस हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बाकी कम्युनिटी के हिसाब से कम है लेकिन देखते हैं भाई, और फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम एक चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वन पीस मूवी रेड को इग्नोर कर दे भाई, ये पिक्चर इंडिया में आना चाहिए, पब्लिक जाके इसे देखना चाहिए, बिकॉज टैंक्स को कौन नहीं देखना चाहता, ये बंदा बस झलक दिखाने के लिए आ जाता है और एपिसोड वो ट्रेंडिंग पे पहुंच जाएगा। और तुम सोच ना भाई, ये पिक्चर में टैंक्स होने वाला है, तो भाई मेरे को जहां तक लगता है ये पिक्चर जो है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वन पीस मूवी बन सकती है। अब देखो वो आ जाता तो बहुत अच्छा बात है, और हाँ अगर कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए होगा तो तुम लोग तो हो ही, बस वीडियो बनाने की देरी है। साथ ही साथ मैंने जो कम्युनिटी टैब पे बोला था मैं फ्लोरियन ट्रायंगल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा,
तो हाँ वो वीडियो तुमको कल देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ तुम लोग का जो मानना है कमेंट बॉक्स में बताओ, और हाँ सब्सक्राइब करना लाइक करना वो तुम्हारा मन है, पसंद आए करो, नहीं करना मत करो वो तुम लोग का मन है। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।